प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, स्काईमेट के मौसम पूर्वानुमान में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावा। तो इस वीडियो की शुरुआत हम उत्तर भारत से करेंगे, हालांकि जो समुद्री तूफान यास बना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि इस समय वेदर सिस्टम क्या बने हुए। तो अब देखिए कि पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर के आसपास आ गया है और पिछले 24 घंटों में हमने देखा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। हालांकि उत्तराखंड में बारिश काफ़ी ज़्यादा हल्की ही रही है, क्योंकि इन सारे इलाकों में अभी भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है एक के बाद एक आ रहे हैं। और मई के महीने में हालांकि जो पश्चिम विक्षोभ है उनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है, लेकिन कुछ कुछ साल अपवाद होते हैं यानी एक्सेप्शन होते हैं। तो अप्रैल के महीने में भी 9 पश्चिमी विक्षोभ आए थे और अभी तक 5 पश्चिमी विक्षोभ आ चुके हैं। हालांकि मई के महीने में 2 या 3 ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखे जाते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जैसे हमने आपको बताया कि मेडिटेरियन सी से जो बादल उठते हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ भारत की तरफ आते हैं, इसीलिए पश्चिमी गड़बड़ी, पश्चिम विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उनको कहा जाता है। बीच में कोई भी ऊंचा पहाड़ नहीं मिलता। जब जम्मू कश्मीर के आसपास आते हैं तो उनको ये ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है। यहाँ पर सर्दियों में बारिश और बर्फबारी देते हैं और इस सीजन में बारिश और तेज बौछारें और बिजली गरज चमक देते हैं। इनके प्रभाव से जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ आता है तो इनके प्रभाव से चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर भारत में कभी कभी बन जाता है। इस समय ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान पर बना हुआ है, लेकिन क्योंकि इसको नमी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है तो अब इस इलाके में कोई खास वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। अब जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले और राजस्थान के ज़्यादातर जिले शुष्क रहेंगे, अब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि तापमान सामान्य से कम बने हुए थे, अधिकतम और न्यूनतम तापमान काफ़ी ज़्यादा नीचे बने हुए थे और अभी तक एक भी लू नहीं चली थी, एक बार भी लू नहीं चली थी यानी हीट वेव नहीं आई थी। लेकिन ये केवल मई का महीना ही नहीं, मार्च से लेकर के मई के महीने में अभी तक भी हीट वेव नहीं आई है, लेकिन अब तापमान बढ़ेंगे। अगले 2-3 दिनों में हो सकता है कि दिल्ली NCR सहित आसपास के इलाकों में तापमान 38 से 39 यानी 38 से 39 डिग्री तक पहुंच जाए, लेकिन हीट वेव फिर भी नहीं आएगी। और अब पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में, पहले मध्य भारत की बात करते हैं क्योंकि पूर्वी भारत में वेदर ज़्यादा है। तो मध्य भारत की बात करें तो राजस्थान के ज़्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे और ये जो गुजरात है ये शुष्क रहेगा, पूरा मध्य प्रदेश भी शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में बादल छा सकते हैं, हल्के बादल रहेंगे यानी मीडियम और हाई क्लाउड रहेंगे जो बारिश नहीं देते हैं। इसी तरह विदर्भ के कुछ इलाकों में गरज चमक हो सकती है लेकिन बारिश की संभावना ना के बराबर है। विदर्भ और बाकी सारे इलाके शुष्क रहेंगे लेकिन मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जैसे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा और उसके आसपास के सांगली, सतारा, कोल्हापुर, रायगढ़, इन इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है जो अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन महाराष्ट्र के दक्षिणी तटों पर बना हुआ है, इसके प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। उसके बाद 27 या 28 तारीख से मुंबई और उसके आसपास भी प्री मानसून गतिविधियां बढ़ेंगी और जो मानसून आने तक ऑन एंड ऑफ जारी रह सकती है। छत्तीसगढ़ में अब बारिश की गतिविधियां कुछ हुई हैं और आगे भी बढ़ेंगी क्योंकि जो साइक्लोन यास का है प्रभाव वो दिखाई देगा। पूर्वी भारत से पहले हम बात कर लेते हैं समुद्री तूफान यास की, क्योंकि पूर्वी भारत पर इसी समुद्री तूफान का असर होने वाला है। तो ये चक्रवाती तूफान जो है आज शाम तक यानी 24 तारीख की शाम तक भीषण चक्रवाती तूफान बन जाएगा और कल सुबह 25 तारीख तक ये अति भीषण चक्रवाती तूफान बन जाएगा और ये उसी तरह से यानी कि और ज़्यादा इंटेंसिफाई होते हुए ये उड़ीसा के उत्तरी तटों की तरफ बढ़ेगा और गंगे पश्चिम बंगाल के आसपास भी इसका असर देखा जाएगा। तो ये 26 तारीख की सुबह ये काफ़ी ज़्यादा तट के पास पहुंच जाएगा और 25 तारीख से ही यानी कल से ही हवाओं की रफ्तार बढ़ना शुरू हो जाएगी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर, साथ साथ बांग्लादेश के तटों पर। और उसके बाद बारिश ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और ज़्यादा बारिश बढ़ेगी और बारिश की तीव्रता और जो हवाओं की तीव्रता जब बढ़ने लगेगी तो 26 तारीख के दोपहर के आसपास ये उत्तरी उड़ीसा के तटों को पार कर सकता है और उस समय ये भीषण चक्रवाती तूफान होगा और जब लैंडफॉल करेगा उसके बाद ये पूरे इलाके में भारी बारिश देगा, खास करके जो बारीपाड़ा है, केंद्रपाड़ा है, भुवनेश्वर, ये बालासोर है, कटक है, केजोनगढ़ है, ये सारे इलाकों में भारी बारिश होगा। पारादीप वगैरह में भारी से अतिभारी बारिश होगी, हवाओं की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होगी, डिस्ट्रक्शन इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर,
और पुरुलिया, बांकुरा, ये जो इलाके हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। कलकत्ता में जो बारिश होगी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी मॉडरेट से हैवी बारिश हो सकती है और हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यानी कलकत्ता में इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि उत्तरी उड़ीसा पर होगा। और उसी तरह जब ये आगे बढ़ेगा तो पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर इलाकों में 26 और 27 तारीख को बारिश होगी। हालांकि झारखंड के ज़्यादातर इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होगी, खास करके जो जमशेदपुर और उसके आसपास चाईबासा और सिंहभूमि वगैरह हैं उन इलाकों में भारी बारिश होगी। बाकी जो इलाके हैं झारखंड के उस इलाके में भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बिहार के भी अधिकतर जो इलाके हैं वो प्रभावित होंगे इस तूफान से। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 26 और 27 तारीख को बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। हालांकि बांग्लादेश को इस तूफान से बचाव हो गया है, यानी कि बांग्लादेश में डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश के भी कई इलाकों में बारिश होगी। अगर हम इसका ट्रैक देखें तो ये ट्रैक आप देखिए कि इस समय यानी कि आज सुबह के समय ये यहाँ पर बना हुआ था, आज दोपहर तक ये और ऊपर आएगा और ये सीवियर साइक्लोन बन जाएगा और कल ये वेरी सीवियर साइक्लोन हो सकता है। तो जब ये तटों के पास आएगा उस समय 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा और गश्त में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहुत ज़्यादा तूफानी हवाएं चलेंगी और जो समुद्र है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाएगा, लहरों की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसी तरह जब ये लैंडफॉल करेगा, या आप देखिए कि उड़ीसा के उत्तरी तटों के आसपास इस समय दिखाई दे रहा है, ये बालासोर या उसके 100 किलोमीटर दक्षिण या पूर्व में उत्तर में ये लैंडफॉल कर सकता है और लैंडफॉल करने के बाद इसको मॉइस्चर मिलना बंद हो जाएगा, जिससे ये वीक होना शुरू हो जाएगा और भीषण तूफान में ये परिवर्तित हो जाएगा। जो ये आंतरिक उड़ीसा और दक्षिणी दक्षिण पूर्वी झारखंड के आसपास आते आते फिर डीप डिप्रेशन बन जाएगा 27 तारीख की सुबह और 27 तारीख की शाम एज अ डिप्रेशन ये झारखंड पे चला जाएगा। तो यानी कि ये सारे इलाके काफ़ी ज़्यादा जलमग्न होने वाले हैं। और अब बात करते हैं हम दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि केरल के कई इलाकों में बारिश हुई है। जब भी इस तरह का कोई तूफान बनता है तो हवाएं इस तरह खींचती हैं, यानी कि हवाएं काफ़ी तेज़ी से आ रही हैं। तो इसीलिए कर्नाटका और केरल के साथ साथ जो रायलसीमा वगैरह है इस इलाके में बारिश होगी। बाकी तमिलनाडु में भी हल्की बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश है, लेकिन अभी फिलहाल अगले 2-3 दिनों तक जो तेलंगाना है और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका है इस इलाके में बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम होगी या ना के बराबर होंगी। तो लेकिन इस तूफान के प्रभाव से हवाएं इस तरह से खींचेंगी तो ज़्यादातर भारत में यानी कि मध्य भारत और उत्तरी भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से तेज़ हवाएं चलेंगी, दक्षिण भारत में पश्चिम दिशा से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र।